हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है अमृतसरी लस्सी। वही टेस्ट और वही टेक्सचर और वही इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम बनाएंगे अमृतसरी लस्सी। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, तो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है, ये मैंने फुल फैट दूध लिया है, इसको बॉयल कर लिया है और इसकी जो मलाई थी वो भी हमने बीच में ही डाल दी है, आपने निकालनी नहीं है। तो इसे हमने ठंडा होने के बाद इसमें हम खट्टा लगाएंगे, जिसे जामुन भी बोलते हैं। तो इसको हम हिलाकर बीच में चला देंगे और इसको दूध को हम जमने के लिए रख देंगे, यहीं यानी कि दही बनने के लिए। तो इसे हम ऊपर से ढककर ओवरनाइट भी रख सकते हो या आप 3-4 घंटे के लिए भी, आजकल गर्मी है तो जल्दी जम जाता है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो ये देखिए दूध हमारा जमकर अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा जमा है। तो इस जो लस्सी होती है वो ठंडी होती है, तो इसलिए हम इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और ये देखिए 3-4 घंटे के बाद दही हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो इसके ऊपर जो मलाई है इसको हम अलग से कटोरी में निकाल लेंगे, जो ऊपर ऊपर इसके मलाई है, हमने मलाई इसमें थी जमाया था, तो मलाई को हम अलग से निकाल लेंगे सारी को। और हमने मलाई को निकाल लिया है और इसको साइड में रख देते हैं। और दही को हम किसी बड़े कंटेनर में या बाउल में डाल लेते हैं। तो ये हमने सारा दही किसी भी बड़े बर्तन में निकाल लेना है। और हमने सारा दही निकाल लिया है, तो इसके बाद हम इसको फेंटेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है वो ठीक है। ये लिया हमने पिसी हुई चीनी, इसमें हम 4 चम्मच चीनी डालेंगे, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो कम ज़्यादा। तो मैंने 5 चम्मच डाले हैं इसमें चीनी के, और इसको मैं हैंड ब्लेंडर से करूँगी। अगर आपके पास लक्कड़ वाला है जिससे हम हाथ से, जिसे मधानी बोलते हैं, उससे भी आप कर सकते हो, या आप विस्कर की हेल्प से भी इसको कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ से हमने इसको फेंटना है। तो पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, जो हमने चीनी डाली है वो खुद ही अपना पानी छोड़ देती है। तो बिना पानी डाले हम इसको फेंटेंगे, बिल्कुल हमने स्मूथ इसको बना लेना है। और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। हरी इलायची को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, उसको फिर मैंने छान लिया था ताकि उसके ऊपर जो उसका छिलक वगैरह होता है वो अलग से निकल जाए। तो इसको भी हमने बीच में डाल दिया है। तो अच्छे से हमने इसको फेंट लेना है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ये बिल्कुल वैसी ही लस्सी बनेगी अगर आपने पी हो, जैसी अमृतसर में होती है, तो वैसी ही लस्सी हम बना रहे हैं। तो ये हमने अच्छे से इसको फेंट लिया है और ये देखिए वैसा ही टेक्सचर और वैसा ही इसका टेस्ट आएगा। तो इसको अब हम डालेंगे ग्लासेस में, वो स्टील वाले ग्लासेस में डालते हैं, हम भी वैसे ही ग्लासेस का यूज़ कर रहे हैं, बड़े ग्लास होते हैं वो, तो बड़े ही ग्लास हमने लिए हैं। तो इसमें हम जो लस्सी हमने तैयार की है वो डाल देंगे। तो ये लस्सी हम इसको पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा कम इसको रखेंगे। देखिए हम इसमें डालते जाएंगे, और ऐसे हम दूसरे ग्लास में भी डाल देंगे। तो ये जो हमारे ऊपर से दही के ऊपर से मैंने जो मलाई उतारी थी वो डाल देंगे। अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन भी डाल सकते हो, और नहीं तो आप ये जो ऊपर से मलाई उतरती है तो इसे ही डाल सकते हो, मक्खन वगैरह या वो भी आपकी इच्छा है, आपको जो भी अच्छा लगता हो वो डाल सकते हो। तो ये हमने दोनों ग्लासेस में डाल दी है, और ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर जो हमने पीसा था। और ये हमारी बिल्कुल अमृतसरी लस्सी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और वैसी ही इसका टेस्ट आएगा। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, तो अपने कमेंट्स में मुझे बताना कि कैसी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।